रॉकी फ्रॉम KGF। आई थिंक ये इंडियन सिनेमा और मेरे चैनल दोनों का ही मोस्ट डिमांडेड फिक्शनल कैरेक्टर रहा होगा, जिसे कि लोग और ज्यादा देखना चाहते हैं, जिसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं और जिसके जैसा बनना चाहते हैं। आई मीन इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसने कि KGF देखा हो और वो रॉकी भाई का फैन ना बना हो, राइट? तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको रॉकी भाई की डैशिंग पर्सनालिटी के 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें कि अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं देन आप भी अपनी पर्सनालिटी को रॉकी जैसा बना सकेंगे। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। पॉइंट 1, स्टैब विद आईज। तो दोस्तों, रॉकी की ओवरऑल पर्सनालिटी में जो पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो है कॉन्फिडेंस, यानी कि रॉकी के अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। बट वेट, यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। जहाँ जनरल केसेस में हमें लोगों के अंदर का कॉन्फिडेंस उनके काम में या उनके एक्शन में देखने को मिलता है, जो कि अगेन अच्छा तो लगता है बट इतना ज्यादा इंटिमिडेटिंग नहीं होता, इम्प्रेसिव नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें रॉकी की, देन रॉकी के अंदर का कॉन्फिडेंस हमें उसकी आंखों में दिखता है। यानी कि अगर कोई इंसान रॉकी से पहली बार मिल रहा है या उसे पहली बार देख रहा है, तब भी वो उसे बस देख कर ये बता सकता है कि हाँ, इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ। सो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ आंखें दिख रही होंगी। आपको बस करना यह है कि आपको इन आंखों को जरा गौर से देखना है। देख लिया? नाउ उन सारी आंखों को ध्यान में रखते हुए अब जरा आप इन आंखों पर नजर डालिए। कोई डिफरेंस दिखा? जी हाँ दोस्तों, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फिडेंट आईज। यानी कि आप कैसे बस अपनी आंखों की हेल्प से लोगों को ये बता सकते हैं कि इस जगह के अल्फा मेल या अल्फा फीमेल आप हो। पॉइंट 2, स्लो एंड स्टडी। नाउ फ्रेंड्स, जहाँ रॉकी की पर्सनालिटी का पहला पॉइंट हमें उसकी आंखों से मिला था, वहीं उसके पर्सनालिटी का दूसरा पॉइंट आता है फ्रॉम द वे ही टॉक्स, यानी कि उसके बात करने के अंदाज से, जो कि अगर आप गौर करें तो उसके आसपास के बाकी सभी लोगों से थोड़ा अलग है। अब दोस्तों, चाहे आप KGF को किसी भी लैंग्वेज में देखें, बट उन सभी में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि रॉकी जब भी किसी से बात करता है तब वो नॉर्मल इंसानों की तरह नर्वसनेस या जल्दबाजी में बात नहीं करता, बल्कि वो एकदम आराम से अपना टाइम लेते हुए एक स्लो पेस के साथ बात करता है, जो कि अगेन सुनने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड करता है कि ये बंदा बाकियों से डेफिनेटली अलग है। ये ना तो नर्वस है और ना ही इसे किसी बात की जल्दी है। ही इज ए ट्रू अल्फा। नाउ अगेन, चलिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ। इन दोनों क्लिप्स को एक बार आप ध्यान से देखिए। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। सुनाओ दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए इन दोनों क्लिप्स में से कौन से क्लिप में आपको रॉकी ज्यादा कूल लगा। आई गेस दूसरे वाले में, राइट? क्योंकि पहले क्लिप के मुकाबले दूसरे क्लिप में रॉकी के जो बात करने का पेस है वो थोड़ा स्लो है, थोड़ा काम है, जो कि देखने वालों को यानी कि हमें रॉकी की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। एंड दोस्तों, अगर आपको भी रॉकी जैसा बनना है देन आपको भी उसके पर्सनालिटी का ये वाला पॉइंट फॉलो जरूर करना चाहिए। पॉइंट 3, बी द रेयर टाइप। नाउ फ्रेंड्स, इस दुनिया में आप चाहे कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, लाइक स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कहीं भी, बट वहाँ ना आपको दो तरह के लोग डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। पहले टाइप के लोग वो जो कि हर एक काम में बेस्ट होंगे, लाइक पढ़ाई में बेस्ट, स्पोर्ट्स में बेस्ट, नौकरी में बेस्ट, हाँ वही फर्स्ट बेंच वाले बच्चे। बट इन लोगों के अंदर का नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये लोग बेस्ट बनने में इतना ज्यादा मसरूक होते हैं कि आप इनके साथ हैंग आउट नहीं कर सकते, घूमने नहीं जा सकते, दे आर सो बिजी फॉर दैट। और दूसरे वो टाइप के लोग मिलेंगे जिनके साथ आप मस्ती मजाक, हैंग आउट, पिकनिक वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं, बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं। बट ऑन द फ्लिप साइड, ये जो लोग हैं वो किसी भी काम में बेस्ट नहीं होते। हाँ, वो हर काम में गुड हो सकते हैं बट किसी में भी बेस्ट नहीं होते। बट दोस्तों, क्या आपको पता है कि इन दो टाइप के लोगों के अलावा इस दुनिया में एक और तरह के लोग भी होते हैं जिन्हें कि मैं कहता हूँ द रेयर टाइप। यानी कि ये ऐसे लोग होते हैं जो कि पढ़ाई, स्पोर्ट्स, को करिकुलर, हर एक काम में बेस्ट तो होते हैं बट साथ ही ये बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली भी होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रॉकी की, देन रॉकी बिलोंग्स टू दिस रेयर कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस। रॉकी का कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि वो अपने काम में सबसे अच्छा भी है और साथ ही वो अपने लाइफ को एंजॉय भी करता है। वो ना तो अपने काम का कोई ज्यादा प्रेशर लेता है और ना ही वो दिन भर दारू के नशे में धुत रहता है।
रॉकी लिव्स ए बैलेंस्ड लाइफ। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको भी द रॉकी जैसी पर्सनालिटी चाहिए, देन आपको भी उससे ये सीखनी चाहिए। आपको अपने लाइफ में हसल करना चाहिए, ग्राइंड करना चाहिए, बेस्ट बनने की कोशिश तो करनी ही चाहिए, बट इसके साथ साथ अपने लाइफ में थोड़ा बहुत फन भी होना चाहिए, जस्ट लाइक रॉकी। तो दोस्तों, ये थे रॉकी भाई की डैशिंग पर्सनालिटी के 3 ऐसे पॉइंट्स जिन्हें कि आप भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आप भी रॉकी जैसी पर्सनालिटी पाना चाहते हैं। नाउ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन इसे लाइक कीजिए। फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप दूसरे पॉपुलर फिक्शनल कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी के बारे में भी जानना चाहते हैं, देन आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।